नौकरियों को लेकर लगातार कई तरह के स्कैम बाहर आ रहे हैं और इन स्कैम्स को लेकर जो पिछले रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उन पर भी कई सवाली निशान खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी मौजूद हैं। अभिनव जी, कई तरह के स्कैम हुए हैं और कई तरह के स्कैम्स का आप भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि JKSSP को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाए? आखिर यदि सारे स्कैम हो रहे हैं तो लाइबिलिटी तो JKSSP को लेनी चाहिए। आखिर क्यों अभी तक CBI इंक्वायरी की मांग की जा रही है, बच्चों के स्टैप एग्जाम करने की बात की जा रही है, एक भी सवाल नहीं उठा कि आखिर JKSSP पर क्यों इंक्वायरी नहीं इनिशिएट होनी चाहिए? क्योंकि जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम देने के लिए दिया गया वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी, कि कोई इस विषय में सवाल नहीं उठा रहा। तो बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन JKSSP की उन ब्लैक शिप्स को कौन पकड़ेगा जिन्होंने ये सारी धांधली है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट से शुरू हुई है और अभी तक FAA तक जा रही है, और अभी कल ही एक नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो 772 पोस्टों के लिए किया गया है, मांग की गई है। क्या श्योरिटी है कि उसकी भी जो है वो ट्रांसपेरेंट लेवल पे की जाएगी JKSSP? देखिए हमें जी, ऐसा है, दो तरह की सिलेक्शन एजेंसीज होती है। एक होती है जैसे UPSC सेंट्रल लेवल पे, यहाँ पे हमारे J&K में पब्लिक सर्विस कमीशन जो गेस्टेड पोस्टों की सिलेक्शन करता है। बिल्कुल। एक होता है SSRB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो नॉन गेस्टेड पोस्टों की सिलेक्शन करता है। लेकिन हमारे J&K में UT बनने से पहले एक अजीब कल्चर था। पुलिस डिपार्टमेंट कहता था हमारा अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा, तीसरा हो गया। डेप्टी कमिश्नर कहता था क्लास 4 की रिक्रूटमेंट मैं करूंगा, चौथा रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया। उसके बाद डेली वेजर, अडाक, कैजुअल, नीड बेस्ड, सीजनल, ये क्या था सारा? जम्मू कश्मीर में पहले भी स्कैम होते रहे लेकिन अननोटिस जाते रहे। पैसे देके नौकरी लेना एक रिवाज था, अब ये रिवाज नहीं चलेगा। आपके समय थे पहले धांधली नहीं होती थी, पहले मंत्रियों के डीओ लेटर नहीं चलते थे, पहले फारूक अब्दुल्ला के कहने पे सिलेक्शन नहीं होती थी। ये तो सब इंस्पेक्टर हैं, क्लरिकल पोस्टों के लिए लड़ रहे हैं, यहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन में गेस्टेड पोस्टों पे लोग सिफारिशों पे लगे, सिलेक्ट हुए, चीफ सेक्रेटरी तक बन के रिटायर हुए, लेकिन कभी स्कैम अनअर्थ नहीं हुए, अब अनअर्थ होने लगे हैं। जैसे चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं नौकरी अब सड़कों में नहीं बिकेगी, नौकरी अब मेरिट पे मिलेगी। तो जो आपने कहा कि SSRB कटघरे में क्यों नहीं आता, जो CBI को जो आप प्रोब गई है उसमें एक एक शख्स का रोल प्रोब होगा और दूध का दूध और पानी का पानी। सर वही तो समझना चाहता हूँ कि CBI इतना बड़ा कौन सा केस है कि CBI इंक्वायरी की, क्योंकि कब से मांग की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सिफारिश दे दी है कि आप CBI इंक्वायरी करिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। एक एक छोटी सी इंक्वायरी भी की जाए, शायद क्राइम ब्रांच में भी ये केस दिया जाए तो सॉल्व हो जाए। मेरे एक मुझे एक पुलिस ऑफिसर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा कि यदि केस हमें ही दे दिया जाए तो हम ही व्हाट्सएप की सारी चीजें डिटेल निकाल कर 2 मिनट में ये सोल्यूशन हो सकता है, कहाँ से पैसे आए, कहाँ पर गए, किस तरह से हुआ, किस तरह से नहीं हुआ। तो इतनी कौन सी बड़ा वो है कि CBI की मांग की जाए, तो अभी तक उस मांग को पूरा भी नहीं किया जाता। और दूसरा उदाहरण है रसाना मामले में, अभी तक CBI इंक्वायरी नहीं हो पाई, तो हम कैसे एश्योर कर लेंगे इस मामले में भी CBI जल्दी हो पाएगी? देखिए ऐसा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज डिफरेंट तरह की होती हैं। एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, एक क्राइम ब्रांच है। क्राइम ब्रांच पर्टिकुलर केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे काउंटरफीट करेंसी होती है या कुछ ऐसे ऑफेंसेस जिनके इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस होती हैं, ठीक, या फोर्जरी हुई होती है। एक स्पेसिफाइड ऑफेंसेज के लिए क्राइम ब्रांच क्रिएट की गई है। अब यहां करप्शन हुई है, वहां पे ACB भी है। बिल्कुल राइट। अगर करप्शन का लेवल बड़ा है, बड़ी मछलियां इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर CBI, क्योंकि आप क्राइम ब्रांच की बात कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी, 100 तरह के पुल्स और प्रेशर्स होंगे, किसी का कोलीग होगा SSRB में या कोई और डिपार्टमेंट में जो इन्वॉल्व होगा, कोशिश करेगा उनको विन ओवर करने की। इसलिए इन चीजों को दरकिनार करने के लिए CBI की इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है। सर लास्ट में मेरा फिर एक सवाल वहीं पर कि JKSSP पर अभी भी सवाल खड़ा नहीं हुआ, 772 पोस्टें नई एडवर्टीज की गई हैं, जब पहले से स्कैम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, किस तरह से छोटी की ट्रांसपेरेंट होगा? या तो पहले पूरा JKSSP को पूरा चेंज कर दिया जाए, पूरा सस्पेंड कर दिया जाए, जब तक स्कैम्स का सॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। हम 772 नई पोस्टों को किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लेवल पर इंश्योर करेंगे? ऐसा है, अभी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी कमेटी ने फाइंडिंग दी, इसमें फ्रॉड हुआ जी।
लेकिन इंक्वायरी कमेटी ये पिन पॉइंट नहीं कर सकी कि किसने फ्रॉड किया, वो सीबीआई करेगी। और जब तक आप वो सीबीआई की चार्जशीट के बाद फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, आप ये नहीं कह सकते कि ये फ्रॉड एसएसआरबी ने किया है। हो सकता है रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हायर की उसने किया हो, लेकिन वो ब्लैकलिस्टेड है, फिर जैकी एसएसबी ने उसे क्यों रखा? वही वो सीबीआई इंक्वायरी करेगी ना कि इसको क्यों रखा। अब एसएसआरबी का सारा स्टाफ करप्ट है या एक बंदा करप्ट? अगर एक बंदा करप्ट है तो सारी एसएसआरबी तो खराब नहीं हो गई? ऐसे में अब सिलेक्शन प्रोसेस देखो, सिलेक्शन प्रोसेस तो रुकेंगे नहीं, वो तो होने हैं। एसएसआरबी जो एक इंस्टीट्यूशन है वो तो करप्ट नहीं है। एसएसआरबी इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले लोग करप्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है। यही सवाल तो एफएफए के जो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमने तो बगिंग नहीं की। एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एसएसआरबी ही बैन कर दे। सिलेक्शन प्रोसेस भी किसी एजेंसी ने एग्जीक्यूट करना है। अभिनव सर, यही सवाल तो वो एफएफए वाले जो प्रोटेस्ट में बैठे कि वो कह रहे कि बंगलिंग दो या चार ने की है, आप पूरा स्क्रैप कर देंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? मेरी बात नहीं समझे, बंगलिंग दो चार ने की है, लेकिन उस बंगलिंग के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज है कि 10,000 बच्चे को पेपर का पता चल गया, 10,000 बच्चे से पेपर के पैसे लिए गए, तो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा विशिएट हो जाता है। लेकिन एसएसआरबी का पूरा स्टाफ विशिएट नहीं होता, वो ब्लैक शीट जो है जिन्होंने गड़बड़ी की होगी वो पिन पॉइंट होंगे। आफ्टर सीबीआई इंक्वायरी अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जेकेएसएसबी के कुछ ब्लैक शीट बीच में मौजूद है, उसके बाद 772 पोस्टों में भी कुछ निकल जाता है, तो उसकी जिम्मेवार कैसे? देखिए, 772 पोस्टें जो फ्रेश एडवर्टाइज हुई है, मुझे नहीं लगता आपको हिम्मत करेगा, क्योंकि पहले रिवाज था कि सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, लोगों ने ज्वाइन किया, बस सब कुछ बस्ते में बंद। अब ये नहीं है, अब आप भी अवेयर हो गए हो, लोग भी अवेयर हो गए हैं। थोड़ी सी आवाज आती है तो मीडिया उसको कितना हाईलाइट करता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब जमाना बदल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, उम्मीद करेंगे कि ये धांधली जो है, ये स्कैम्स का जो प्रचलन चल रहा है वो आगे ना बढ़े। जो पीछे हो चुका है उन्हें तो सीबीआई देख लेगी, लेकिन आने वाले समय में शायद जेकेएसएसबी में यदि कोई ब्लैकशिप है तो वो भी इतनी हिम्मत ना करे कि उसे कंटिन्यू करे। जो कर चुकी है उसे सजा तो सीबीआई द्वारा जो है वो दी ही जा सकती है। लेकिन फिर भी हमारा सीधा सवाल जेकेएसएसबी से ही है कि आखिर जिस कंपनी को ये एग्जाम्स करने की परमिशन दी गई वो ऑलरेडी कई स्टेट्स में ब्लैकलिस्टेड थी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी थी जिस वजह से जेकेएसएसबी को इसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से जो है वो एग्जाम करवाने की जरूरत पड़ी? और दूसरा, ऑफ द रिकॉर्ड हमें सोर्सेज के थ्रू ये खबर आ रही है कि इस एग्जाम को करवाने के लिए जो टेंडरिंग प्रक्रिया की गई उसमें ऑलरेडी पहले से 3 बार टेंडर्स किए गए, और टेंडर्स में जो कंपनी आ रही थी टेंडर क्लियर करके उसको टेंडर नहीं दिया गया, उसे फिर रिटेंडर किया गया, फिर वही कंपनी आई, फिर रिटेंडर किया गया, और 3 बार जब वो रिटेंडर में वो कंपनी नहीं आई, जब तक ये नहीं, जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है जब तक वो नहीं आई तब तक ये टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। ये ऑफ द रिकॉर्ड सोर्सेज के तहत खबर आ रही, शायद सीबीआई आएगी तो वो इसी पूरी इंक्वायरी से जो पर्दे हैं वो हटा पाएगी। फिलहाल आप जुड़े हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।